हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी A04 5G फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी A04 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में डाटा वार्निंग की लिमिट है, तो डाटा वार्निंग की लिमिट को आप कैसे सेट कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी A04 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि डाटा वार्निंग की लिमिट को आप सेट कैसे कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी A04 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सिंपली आपको सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप डाटा वार्निंग की लिमिट को सेट कैसे कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में, तो सिंपली आपके फ़ोन में सेटिंग शो हो रही है, तो आपको इस पे जाना है। इस पे जाते ही आपके पास ये ऑप्शंस आ गया है, जिस पे जाकर आप डाटा वार्निंग की लिमिट को सेट कर सकते हैं। इसको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएगा, जिस पे जाकर एडवांस सेटिंग्स को ओपन करके डाटा वार्निंग का ऑप्शन है आपके फ़ोन में शो हो रहा है। इसके ज़रिए आप डाटा वार्निंग की लिमिट को यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब हम इसमें सेट करना चाहते हैं 800 MB, तो 800 MB आप सेट करते हैं तो वार्निंग लिमिट आपके फ़ोन में सेट हो जाएगी। यहाँ से जो भी लिमिट आपने सेट कर दी है, आपकी वार्निंग लिमिट सेट हो जाती है। तो इस तरीके से वार्निंग लिमिट को आप सेट कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं कि इसको आप अनलिमिटेड भी सेट कर सकते हैं। नो लिमिट कर देंगे तो आपके फ़ोन में कोई भी लिमिट सेट नहीं होगी और इसका आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से डाटा वार्निंग की लिमिट को सेट कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में, और आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं सैमसंग फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार।